दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आस्था इंस्टीट्यूट इसपुर ऊना। कांग्रेस कार्यालय कोटला कलां में कांग्रेस के युवा विंग के तमाम पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। युवा कांग्रेस की इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राघव ठाकुर ने की। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी विनीत कम्बोज और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव व जिला ऊना प्रभारी नईम अहमद विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से जन जन तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं पूरे प्रदेश में निकल रही बेरोजगार संघर्ष यात्रा पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जो आगामी विधानसभा इलेक्शन आ रहे हैं हिमाचल के अंदर, उसके अंदर यूथ कांग्रेस का क्या रोल रहे, उसको लेकर ये बैठक रखी गई है। और युवा रोजगार यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, हर विधानसभा में लेके जाएंगे इस यात्रा को। और युवा रोजगार यात्रा जो सीधी युवा से जुड़ी हुई है, तो यूथ कांग्रेस के साथी उसमें क्या भागीदारी कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग मीटिंग में सब डिस्कस हो रहा है। तो रोजगार यात्रा कब से शुरू की जा रही है और कहां कहां तक जाएगी? रोजगार यात्रा 27 तारीख को नगरोटा में इसका शुभारंभ हो चुका है। अभी 5 तारीख से सिरमौर से शुरू होगी यात्रा और एक शेड्यूल इधर का भी आएगा। इस तरफ से दो तरफ से, एक तरफ विक्रमादित्य जी, एक तरफ रघुवीर सिंह वाली जी लेके निकल रहे हैं इस यात्रा को। तो यात्रा की में जब पहुंचेगी यात्रा, उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है जो हमने मेन मुद्दे रखे हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले मीटिंग में 680 करोड़ का एक बजट पास किया जाएगा युवाओं के लिए, और हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उस बजट में। उसके माध्यम से जो भी युवा साथी अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई काम धंधा करना चाहते हैं, तो उनको बगैर ब्याज के विदाउट इंटरेस्ट पैसा दिया जाएगा। किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, ऐसे पूरे प्रदेश में हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? युवा कांग्रेस हर लड़ाई लड़ रही है, पहले भी लड़ रही है यहाँ पर, और आने वाले समय में जो महंगाई इस देश के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई है, प्रदेश के अंदर हो गई है, उन मुद्दों को लेके, बेरोजगारी को लेके, और उसके साथ साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर पहले भी लड़ाई लड़ते रहे हैं युवा साथी, आगे भी लड़ते रहेंगे। और युवाओं की आवाज बनकर विधानसभा इलेक्शन में यूथ कांग्रेस एक बहुत अहम रोल निभाएगी। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। आस्था इंस्टीट्यूट ईस्टपुर में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आस्था इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आरएस राणा ने बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट पिछले 12 वर्षों से बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहा है। इंस्टीट्यूट में 11 ट्रेड चलाए जा रहे हैं, जिसमें फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, डीजल मैकेनिक, प्लम्बिंग, एडवांस फैशन डिजाइन ट्रेड चलाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट में 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी दाखिला ले सकते हैं। दाखिला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आस्था इंस्टीट्यूट, गगरेट रोड, ईस्टपुर, ऊना, 9459778011। दूध की नदियां बहने को तैयार, लो जी अब आ गया वशिष्ठ पशु आहार। वशिष्ठ पशु आहार में संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स और खनिज पदार्थों को सही मिश्रण में मिलाकर गोली का रूप दिया जाता है, ताकि संतुलित आहार द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। लो जी आ गया वशिष्ठ पशु आहार, पशु स्वस्थ, दूध की बहार। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें वशिष्ठ एग्रो इंडस्ट्रीज, बाथरी बेला, हरोली, ऊना। इन नंबर्स के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 9891900008 या 8894490999 पर।